हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस जैसे कि हमने प्लानिंग का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर लिया है आज हम लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है डेट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स आज हम पढ़ेंगे कि प्लान कितनी तरह के होते हैं तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लान हमारे होते हैं मल्टीपर्पज़ यूज़ प्लान जिसे हम स्टैंडिंग प्लान भी बोल देते हैं और सेकेंड वन होते हैं सिंगल यूज़ प्लान मल्टीपर्पज़ यूज़ प्लान के भी कुछ टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रोसीजर एंड रूल एंड सिंगल यूज प्लान में प्रोग्राम शेड्यूल बजट प्रोजेक्ट एंड मेथड मल्टीपर्पज़ यूज़ प्लान को स्टैंडिंग प्लान बोला मल्टीपर्पज यूज प्लान मतलब एक बार बना दिया वो बार बार यूज़ होगा और सिंगल यूज़ प्लान मतलब एक बार कोई प्रॉब्लम आई उसके लिए प्लान किया था वो प्रॉब्लम गई तो प्लान भी खत्म ठीक है देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक रिलेशन बताया हुआ है सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान जिसे मल्टी यूज प्लान भी हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान यूज ओवर एंड ओवर अगेन बार बार यूज होता है इसीलिए हम इसे मल्टी यूज प्लान भी बोलते हैं सिंगल यूज प्लान किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया हुआ होता है ये इसके टाइप्स दिए हुए हैं एक एक करके हम हर टाइप के बारे में पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप ही ऑब्जेक्टिव सेट करना है ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी के लिए बेस बनता है और कंपनी को उसका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी बनेगा और डिपार्टमेंटल लेवल पर भी बनेगा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसकी हेल्प करेगा क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप हो गया प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंटल लेवल पर भी बनेगा और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल का ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट लेवल के साथ मैच करता हो लेकिन डिपार्टमेंट लेवल का ऑब्जेक्टिव इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिसी की पॉलिसी क्या होता है जनरली गाइडलाइंस भी बोल देते हैं ठीक है ये क्या होता है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जनरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी कि हमने जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको समझने के लिए इंटरप्रेट करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया एक गाइडलाइन वो क्या हो जाएगा पॉलिसी जैसे कि एग्जांपल है कुछ कंपनीज हैं जो रिटर्न पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी प्राइजिंग पॉलिसी बनाकर रखती हैं अपनी कंपनी के लिए वो हो गया हमारा पॉलिसी पॉलिसी आर द जर्नल गाइडलाइंस ध्यान रखना इस चीज को नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजी क्या होता है एक पूरा सोचा समझा हुआ प्लान जो कि हमारा जनरली अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा यूज होता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं स्ट्रेटेजी प्लान होता है जिसकी तीन डायमेंशंस होती हैं सबसे पहले कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है सेकंड स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है कैसे करना है वो डिसाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें एलोकेट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंटल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर स्ट्रेटजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है पॉलिसी जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है तीन इसके डायमेंशन हो गई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सेट करना स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोसीजर की साइड प्रोसीजर क्या हो गया स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर द रूटीन टू कैरी आउट द एक्टिविटी कि हम जो रूटीन में काम कर रहे हैं उसे करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप क्या करना है कैसे करना है वो जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होंगी वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोसीजर जैसे एक काम को करने का एक प्रोसेस होता है ना पहले क्या होगा फिर क्या होगा जैसे हमारा रॉ मटेरियल होता है वो पहले वर्किंग प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है जब पूरा नहीं बना होता आधा दूरा होता आधा अधूरा है फिर फिनिश गुड में कर, कन्वर्ट हो रहा है तो दो या तीन प्रोसेस से होकर एक हमारा प्रोडक्ट गुजर रहा है बनने के लिए। तो प्रोसीजर क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन कौन सा काम कैसे होना है उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस ये हमारा हो जाता है प्रोसीजर आगे बात करते हैं रूल्स की रूल्स क्या हो गया रूल नियम नियम क्या हो गया स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं क्या करना है क्या नहीं करना डिफाइन एन एक्शन और नॉन एक्शन रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट डेट डिफाइन एन एक्शन और नॉन एक्शन कंपनी में क्या करना है आपने क्या नहीं करना इस चीज को डिटरमाइन करती हैं उन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं रूल rule. क्या रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं नहीं रूल्स क्या होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल के एक बार जो रूल बना दिया वो हर बंदे को फॉलो करना ही करना पड़ेगा और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसके सीवर कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम की प्रोग्राम क्या होता है डेप्थ स्टेटमेंट डेप्थ स्टेटमेंट किस चीज़ की कि कंपनी की क्या पॉलिसीज हैं क्या रूल्स हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या प्रोसीजर है उन सब की एक डेप्थ स्टेटमेंट दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है क्योंकि ये प्रोग्राम हेल्प करते हैं हमें प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें ये एक लिंक भी क्रिएट करते हैं किस किस के बीच में लिंक क्रिएट करेंगे बिटवीन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर एंड रूल प्रोग्राम क्या हो गया इन डेप्थ स्टेटमेंट जो कि आउटलाइन आउटलाइन बता रही है हमें पॉलिसी की रूल की ऑब्जेक्टिव की प्रोसीजर की ये प्रोग्राम्स हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि एक लिंक क्रिएट करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बीच में प्रोसीजर एंड रूल्स के बीच में आगे बात करते हैं मेथड मेथड क्या होता है किसी काम को करने का तरीका वही चीज़ लिखी हुई है मैथड प्रिस्क्राइब द वे इन विच स्पेसिफिक टास्क ऑफ ए प्रोसीजर मस्ट बी परफॉर्म मतलब कैसे वो टास्क परफॉर्म की जाएगी उसको करने का तरीका डेट इज कॉल्ड मैथड नेक्स्ट हम बात करें बजट की बजट क्या होता है बजट में अगर बोलूँ फाइनेंशियल टर्म में तो एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट होती है कि फ्यूचर में हमारा इतने एक्सपेंडिचर होंगे इतने रिवेन्यू होंगे बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसे कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं जैसे परचेज डिपार्टमेंट के लिए हमें इतना बजट चाहिए कि हमारा इतने खर्चे हो सकते हैं और इतना हमारा रिवेन्यू हो सकता है बजट क्या करता है फोरकास्ट होता है किस चीज़ का फ्यूचर का बजट क्या होता है फ्यूचर में कितनी हमारे पास पैसा आएगा कितना हम खर्च करेंगे उसका एक फोरकास्ट हो गया तो ये था बजट शेड्यूल की बात करें तो टाइम टेबल क्या काम कैसे करना है कैसे होगा उसका प्रॉपर टाइम टेबल ठीक है कि जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है उसे फर्स्ट प्रोसेस तक कन्वर्ट होते होते इतना टाइम लग जाएगा सेकंड प्रोसेस तक कन्वर्ट होते होते कितना टाइम लगेगा थर्ड प्रोसेस तक कन्वर्ट होते होते कितना टाइम लगेगा तो ये क्या हो गया एक प्रॉपर शेड्यूल आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर प्लानिंग यहीं पर ख़त्म होता है थैंक यू सो मच